एक मिनट बेटे, बोलिए बेटे, बोलिए। कैलकुलेट द कैलकुलेट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ जून फॉर मिस्टर जैब्स फॉर द हाउस। मंथ ऑफ जून। ठीक है जी, आगे बेटे। फॉलोइंग इज द लिस्ट। एसी 1000 वॉट 8 आवर्स, एसी 1000 वॉट, कौन सी चीज बोल रहे हो? 1000 वॉट। अच्छा जी, एसी 1000 वॉट। ठीक है जी, 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए आप चला रहे हो डेली। ठीक है जी, टीवी 250 वॉट 2 आवर्स, 250 वॉट 2 आवर्स। और बेटे 5 LEDs 20 वॉट ईच, 5 LEDs हर एक 20 वाट का कितने टाइम के लिए? 10 आवर्स, 10 आवर्स डेली। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹6। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज है सिक्स। सिक्स। ये बेटे आपको लिस्ट दी गई थी इन अप्लायंसेस की, और आपको इन अप्लायंसेस में हमारा जो बेटे जून के मंथ का बिल निकालना था। जून में 30 डेज आपके इस मंथ में बेटे होते हैं। बिल कैलकुलेट करने के लिए आपको एनर्जी कंज्यूम बेटे पहले निकालना पड़ेगा। एनर्जी कंज्यूम जो होता है, दिस इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, प्रोवाइडेड आप पावर को किलोवाट आवर्स में मेजर करें, टाइम को आवर्स में मेजर करें। ये जरूरी है, नहीं तो फिर आपकी एनर्जी की कंजम्पशन ठीक नहीं आएगी बेटा। सो एनर्जी कंज्यूम्ड पहले आप बेटे ये एसी की निकाल लीजिए, 1 डे की पावर इसकी 1000 वॉट है। ये इसके हमने किलोवाट बना लिए, इसको 1000 से डिवाइड करके, और ये 8 आवर्स के लिए वर्क करता है, तो इसने 8 यूनिट्स इन 1 डे कंज्यूम कर लिए बेटा। सेकेंडली आप एनर्जी निकाल लीजिए टीवी की, टीवी ने एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? 250 वॉट का टीवी है, इसके किलोवाट आपने बना लिए, और 2 आवर्स के लिए ये वर्क करता है डेली, तो ये आपके पास 1/2 यूनिट्स, या इनको आप किलोवाट आवर भी कह सकते हो बेटे, एक ही बात है। यूनिट्स का मतलब होता है किलोवाट आवर, जैसे मर्जी लिख लीजिए, आपको पहले बताया हुआ है। और 5 LEDs का एक दिन का एनर्जी कंज्यूम, 20 वॉट की एक एलईडी है, और आपके पास नंबर ऑफ एलईडीज 5 हैं, इनके आपने किलोवाट्स बना लिए, 10 आवर्स के लिए ये वर्क करती है डेली। खत्म हो गया सारा, 1 यूनिट या 1 किलोवाट आर आपकी ये जो एलईडीज है इन्होंने बेटा कंज्यूम किया। हाँ जी बेटे धीरेन, मैं करता हूं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आप क्या करिए कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे निकाल लीजिए। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, 8 यूनिट्स ये हैं, हाफ यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो ये 9.5 यूनिट्स हो गए बेटा। और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ये आप 9.5 × 30 कर दीजिए, 285। ये आपके पास बेटे जो है 30 डेज में एनर्जी का कंजम्पशन जो है ये बच्चों आ गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इतने यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हुई है,
एक यूनिट एनर्जी की कॉस्ट आपको 6 रुपीज पड़ती है, तो टोटल कॉस्ट आप निकाल लीजिए बेटा, टोटल कॉस्ट या बिल जैसे भी आपको दिया बताया गया है, 285 × 6 1710 रुपीज के करीब करीब आपका जो है। हाँ जी जसलीन, देखो बेटे 8 यूनिट्स आपके ये हैं, हाफ यूनिट ये है 8.5 और एक ये हो गया 9.5 यूनिट्स, 9.5 यूनिट्स, इनको ऐड कर दीजिए सिंपली। आपके जो एसी का कंजम्पशन है, टीवी का कंजम्पशन है, एलईडीज का कंजम्पशन है, सारे पर ऐड कर लो, आपको एक दिन की टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड मिल जाएगी। फिर आप उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जून के मंथ की एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी। फिर आपको उसको एक यूनिट की जितनी कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर टू ऑल बेटे? यस बेटे, डियर ऑल, राइट बेटे। सो आओ बच्चों आगे चलें। नेक्स्ट कोई और बेटे आपका पॉइंट है तो आप बता सकते हो बेटे। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क स्टिल? धीरेन, एकजोत, जशन, जसलीन, यस बेटा, यू कैन टेल अगर कोई और आपका पॉइंट है डिस्कस करने वाला, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू, अदरवाइज नहीं तो फिर ओके बेटा, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे तो मैं कंटिन्यू करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। इसमें एक न्यूमेरिकल है बेटे, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे आपको दिया गया है ये। लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट पार्ट। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड if it penetrates a fixed target, if it penetrates a fixed target which offers a constant resistive force of, which offers a constant resistive force, of 1000 newton to the motion of the bullet, find the initial kinetic energy of the bullet, and the distance through which the bullet penetrated, ये चीज बेटे आपको जो है ये वर्कआउट करनी है। अगेन पहले देखिएगा कि आपको
स्टेटमेंट पार्ट में प्रोवाइड क्या किया गया है, बुलेट है 5 ग्राम, इसका मास है, इट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, ये भी दिया हुआ है, ये कोई फिक्स टारगेट में पेनिट्रेट कर गया है बुलेट, और वो टारगेट इसको 1000 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स जो है ऑफर करता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट या डिस्टेंस पेनिट्रेटेड बाय द बुलेट जो है, ये बेटे आपको जो है ये वर्कआउट करना है। सो जो चीजें आपको दे रखी हैं, मास ऑफ द बुलेट दिस इज 5 ग्राम, इसके किलोग्राम बनाइए 5 × 10⁻³ किलोग्राम, ये मास हो गया। वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड की आपको दी हुई है। इफ इट पेनिट्रेट्स ए फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसकी पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करिए, काइनेटिक एनर्जी ई 1/2 mv² के बराबर आपका होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 मास 5 × 10⁻³ वी है 500 × 500 बिकॉज स्केयर है ये आपका, सो ई विल बी इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज 5, 1, 2, 3, ये जीरोस कट गई हैं और 250, 125, 625 joules, चेक करिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, ये आपको 625 joules के करीब आपका काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है बेटा। डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू चेक करके देखिए और बताइए बेटे, आर्यन, अश्मीत, दलजीत, धीरेन, इकजोत कौर, जसलीन, ओके, आई होप कि आपका आंसर मैच कर गया है। इसके बाद बेटे आपको डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन जो है, कितना आपका जो है बुलेट एंटर कर गया है, सो वी विल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट फाइंड आउट द वर्क डन विच इज इक्वल टू F × S, बेटे वर्क डन आपका F × S के बराबर होता है। यहां पे आपका वर्क डन जो है ये सारे का सारा बुलेट की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अवेलेबल है, सो आप जितनी काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली है इसको आप यहाँ पे रीराइट कर सकते हो F × S के बराबर करके, S will be equal to energy divided by force, energy 625 है, force 1000 newton है, distance moved will be 0.625 meters, इतना distance जो है ये bullet penetrate करेगा उस target के अंदर, this is 0.625 meters बेटे, so this is how we are to solve this बेटे, एक बार बेटे सारे students check करिए और बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। ऑल ऑफ यू बेटे क्रॉस चेक कर लीजिए सारी कैलकुलेशन, जसलीन ठीक है बेटा, तो एक न्यूमेरिकल आपके लिए और लिखता हूं फिर मैं बेटे, आप करके दिखाओगे बच्चों? हाँ जी बेटे जसलीन, शुड आई राइट वन मोर न्यूमेरिकल? ओके करिए फिर आप, वेरी नाइस, वेल वेल वेल, तो मैं इसको रब कर देता हूं, कुछ इसके साथ मिलती जुलती टाइप का एक न्यूमेरिकल आपके लिए लिखता हूं, आप करके देखो, अगर आंसर मैच कर जाता है तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस, अदरवाइज फिर मैं भी बाद में सॉल्व करता हूं, आप अपना मैच करिएगा आंसर कि कितना आंसर है आपका आ रहा है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। सो आइए बेटे डिस्कस करें फर्दर मोर, हमारे पास आगे है बेटे ए बुलेट ऑफ मास 0.03 किलोग्राम, ए बुलेट ऑफ मास
0.03 किलोग्राम. मूविंग विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, ए बुलेट हैविंग ए मास ऑफ 0.03 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स 12 सेंटीमीटर इंटू फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ वुड कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द वुड ऑन द बुलेट. कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द वुड ऑन द बुलेट. तो ये बेटे आपको करना है कैलकुलेट. सो ऑल ऑफ यू टेक 1 or 2 minutes, इसको देखिए सॉल्व करके. सबसे पहले जो चीज आपको दी होती है उसको बेटे रीअरेंज कर लिया करो एक बार कि क्या आपको गिवन है. सो सॉल्यूशन पार्ट में आपके पास मास ऑफ द बुलेट 0.03 केजी है, वेलोसिटी इसकी 400 मीटर पर सेकंड है, बाकी डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन 12 सेंटीमीटर है बेटा. देखिए बेटे करके इसको और यू गेट इट. आपका 12 सेंटीमीटर से मीटर बनाने बेटे बहुत जरूरी है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपके यूनिट्स सारे स्टैंडर्ड नहीं रहेंगे. ये 12 सेंटीमीटर के बन गए जी मीटर्स. अब आप ट्राई करके देखिए और बताइए बेटा व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. बीस हजार न्यूटन. आई होप दिस टू बी करेक्ट. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बेटा. हाँ जी बेटे ठीक है ठीक है. रोल नंबर 5 बिल्कुल ठीक है बेटा. बाकी स्टूडेंट्स भी देखो पुत्र हाउ टू सॉल्व दिस. ये इनिशियल स्पीड है, इसको रादर आपको यू लिख लेना चाहिए, दैट विल बी मच बेटर. 12 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद आपका जो बुलेट है दैट इज कमिंग टू रेस्ट. ये भी आपको स्टेटमेंट को पढ़ के जजमेंट करना है आपको कि आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है. और बच्चों आप जैसे जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² वर्क डन निकाल लीजिए. दिस इज 1/2 m, b 0 है, चलिए ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप और ऐड कर लो. एंड w इज 0.03 मास और ये 1/2 आपका बाद में लिख रहा हूं मैं. वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 400. ये चीज आपके पास जो है आ जाती है वर्क डन माइनस 1/2, दिस इज 0.03, दिस इज 400 एंड अदर 400. इसको आप 3 × 10^2 पर -2 लिख सकते हो, तो आपकी ये दो जीरोस यहां पे एडजस्ट हो जाएंगी और ये आपका 200 आ जाएगा. ठीक है जी. वर्क डन कितना बचा फिर, माइनस 3 × 200 × 4, ये वर्क डन बन गया
माइनस 2400 जूल्स। अगर हम खाली मैग्नीट्यूड ले लें तो आप साइन को छोड़ सकते हो वर्क डन को, बिकॉज वर्क डन आपका डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वर्क डन आपके पास है, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दीजिए, W इज इक्वल टू F इनटू S विद A। सो W दिस इज इक्वल टू F इनटू S, S आपके पास है, आपको फोर्स निकालना है, इट विल W ओवर S, एंड F इज इक्वल टू W है 2400, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर के आपने मीटर बना लिए, ये बन गया आपका F इज इक्वल टू 200 इंटू 10^2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 के साथ 4 जीरोस लगा दीजिए, सो मैनी न्यूटन आपका जो है फोर्स, आपको रेजिस्टिव फोर्स की फॉर्म में मिल जाए। सो डियर चिल्ड्रन, सारे बच्चे एक बार चेक करिए और बताइए, कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात लगती है तो जरूर बताइए, अदरवाइज नहीं तो फिर बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको स्टार्ट करें। देखिए बेटे, चेक करके एक बार सारे बच्चे सारी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, खुद भी चेक कैलकुलेशन करके देखो, एंड सी की वेदर यू आर ऑल गेटिंग दिस और नॉट बेटा, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, ओके नाइस। चलिए फिर बेटे एक और प्रॉब्लम करते हैं रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ अवर वर्क डन एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड ऑल दैट। आइए देखिए बेटे, स्टार्ट करें, लेट मी राइट द स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट, देन आप भी ट्राई करिएगा, आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग दिस, लेट अस सी। न्यूमेरिकल है बेटा, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। ये सारे पर्टिकुलर्स बच्चों आपको बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज विद यू। तो डायरेक्टली मास ऑफ द कार 1500 kg है, U is 30 km/h, V is 60 km/h। देखिए कितना वर्क डन है बेटा by the engine of the car to increase the speed in this manner, बेटा चेक करके देखिए बेटा, all of you, yes very dear children, सारे बच्चे कैलकुलेशन करके देखिए कितना वर्क डन आएगा बेटा, ऑल ऑफ यू। सेम तरीका है, कोई अलग वे में नहीं हम इसको कर रहे हैं बेटा, आपका एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जस्ट अप्लाई दैट एंड कैलकुलेट बेटे कितना आ रहा है वर्क डन आपका जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। यहां पे ये है कि इनको आपको मीटर्स पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सो दिस विल बी 30
इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, 60 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्शन को करना नहीं भूलना, बिकॉज नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स मिसमैच अगर होंगे तो बेटे फिर दिक्कत आएगी। अब देखिए कैलकुलेशन करके सारे स्टूडेंट्स बेटा, व्हाट वी आर गेटिंग ऑल ऑफ यू बेटा, बी आपके पास है, यू आपके पास है, यू आर जस्ट टू मेक कैलकुलेशन। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू चेक सॉल्व। एक जोक और, ऑल ऑफ यू बेटे जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वर्क डन W, दिस इज 1/2 ऑफ M आपने कॉमन लिया, दिस इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, दिस इज लाइक दिस। वैल्यूज पुट करिए और आइए देखें, this is equal to 1/2 mass 1500 किलोग्राम आपको दिया हुआ है। इसको आप बेटे ऐसे कर लीजिए, it is 25/3 and this is your 50/3 बेटा। आप जब यस बेटे, यस जसलीन ठीक है बेटा, वेरी गुड। बी आपका 50/3 इसका स्क्वायर, यू आपका 25/3 इसका स्क्वायर। इसको आप डब्ल्यू को ऐसे लिख लीजिए, 1/2 1500, 3 का स्क्वायर 9 मैंने निकाल लिया बाहर, इट इज 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको आप कर दीजिए 750 के बराबर, दिस इज 750 इंटू 1/9 ए प्लस बी इतना आ गया, ए माइनस बी इतना आ गया बेटा, ये आ जाएगा ये। और 250 वर्क डन बन गया, 250 इंटू 25 इंटू 25 जूल्स। कितना निकाला था बच्चों आपने बेटी, एक बार चेक करिएगा दोबारा, हाउ मच इट वाज देयर बेटे, जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे, 156250 जूल, 156250 जूल्स आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था। बिल्कुल ठीक जसलीन बेटे, बिल्कुल ठीक। सो दिस इज अ वे आप इसको बेटे न्यूमेरिकल को, छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। आपको डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है वर्क डन इन ऑर्डर टू स्पीड अप द कार निकाल सकते हैं बेटा। एक बेटे छोटा सा और कर लीजिए न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वाला है ये, लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट पार्ट, let us see what do we get over here out of this statement। We a object of mass 15 kilogram, an object of mass 15 kilogram is moving with a uniform velocity of 4 meters per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Simple numerical. What is the kinetic energy possessed by the object?
ऑल ऑफ यू बेटा मेक कैलकुलेशन। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल बेटे। मास आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल कैलकुलेशन इज 1/2 mv² पुट करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है बेटा। जसलीन कन्वर, रूर सिंह, सोहल, नित्या, इकजोत कौर, नहीं बेटे थम्स अप नहीं करना, आंसर बताना है। धीरेन 30 नहीं आएगा बेटा, रीचेक करिए धीरेन। यस जसलीन ठीक है, रोल नंबर 5 ठीक है, गुड। इकजोत कौर आंसर इज नीडेड, नॉट थम्स अप। इकजोत कौर ओके बेटे, ओके ओके। कन्वर नूर सिंह सोहल इज सेइंग दैट ही इज स्टिल इन द कैलकुलेटिंग, ही इज कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल फॉर द आंसर। गो फॉर द कैलकुलेशन बेटे एंड टेल व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। गुड, सारी चीजें आपके पास, कोई चीज नई नहीं है। मास आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताइए। धीरेन व्हाट इट इज नाउ, धीरेन यस, लक्ष्य ठीक है, राइट धीरेन। हाँ जी बेटे राघव शर्मा बिल्कुल ठीक है, धीरेन करेक्ट राइट, इकजोत कौर करेक्ट ठीक है, कन्वर नूर सिंह सोहल आपका रह गया सॉल्व करना, इट शुड बी 120 joules राइट बेटे। सो थैंक यू ऑल डियर चिल्ड्रन।